हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैथ्स आईसीएस एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स रिलेटेड टू पॉलिटिकल साइंस। स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि इस सेशन में मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करता हूं जो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका यूपीएससी में और स्टेट सिविल सर्विसेज में पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस बहुत ही डायनेमिक सब्जेक्ट है, करंट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स को न्यूज़पेपर से सेलेक्ट करने में बहुत सारी इश्यूज आ रही थी। उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया और मैं रेगुलर बेसिस पर कुछ ऐसे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कशन में लेता हूँ जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो टॉपिक्स हैं जो ना सिर्फ आपके ऑप्शनल पेपर में, जिन बच्चों का PSIR ऑप्शनल है उनके लिए तो ये है ही है बहुत इंपॉर्टेंट, अगर किसी का ऑप्शनल नहीं भी है तो ये टॉपिक्स उसको GS में भी बहुत हेल्प करेंगे। तो उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग फिर मिले हैं और फिर मैं आपके साथ कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। बट बिफोर दैट, हमारा अपकमिंग बैच जो है वो 22 नवंबर से शुरू हो रहा है, तो अगर कोई भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है, वो मन बना रहा है या उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे सिविल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए या कैसे करनी चाहिए, कोई भी इश्यूज हैं तो प्लीज़ आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इंक्वायरी ले सकते हैं या दिए हुए नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, ज्योग्राफी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ये ऑलरेडी हमारे यहाँ चल रहा है, बहुत सक्सेसफुली चल रहा है। तो अगर किसी कैंडिडेट को ऑप्शनल में कोई इशू आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो हमारे जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे वो मिल सकता है और अपने क्वेरीज को, अपने इश्यूज को रिजॉल्व करा सकता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आज ये दो टॉपिक्स आपके डिस्कशन में मैं लूँगा। फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज योर 19th आशियान इंडिया समिट। ये आपका जो आशियान इंडिया समिट अभी रिसेंटली हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। और रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई जिसमें ये डिस्कस किया गया है, ये पाया गया कि जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, उनकी जो बैठकें होती हैं, जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें जो सदस्य होते हैं वो बहुत एबसेंट होते हैं, उनमें अनुपस्थिति बहुत है। तो ये बहुत ही एक इशू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम से रिलेटेड है कि ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती है, उसमें मेंबर्स क्यों नहीं आते। जो भी कमेटी बनी है उनके मेंबर्स जो होते हैं, जब मीटिंग होती है तो उनके मेंबर्स एबसेंट हो जाते हैं। तो हम लोग ये समझेंगे कि क्या रिपोर्ट में कहा गया है और पार्लियामेंट्री कमिटीज़ एक्चुअली में क्या होती हैं और वो क्या काम करती हैं इंडियन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, हमारे पार्लियामेंट में व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिफरेंट पार्लियामेंट्री कमिटीज़। ओके, तो हम लोग फर्स्ट टॉपिक से शुरुआत करते हैं, दैट इज द 19th आशियान इंडिया समिट। अभी रिसेंटली 19th आशियान इंडिया समिट ऑर्गेनाइज हुआ था एंड दैट वाज हेल्ड इन कंबोडिया। ओके, और ये आप देख रहे होंगे हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं जिन्होंने इस समिट को रिप्रेजेंट किया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इस समिट को उन्होंने अटेंड किया था। और ये पहली बार होगा जब किसी इंटरनेशनल मीटिंग में इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो समझते हैं, देखते हैं क्या रहा इसमें, हमने क्या अचीव किया, आशियान के बारे में हम लोग जानेंगे तो बहुत कुछ आपको जानने के लिए है। नाउ कमोमरेटिंग द 30th एनिवर्सरी ऑफ इट्स डायलॉग रिलेशन, भारत और आशियान के डायलॉग रिलेशन के 30 साल हो गए, दिस इज द 30th एनिवर्सरी ऑफ इट्स डायलॉग रिलेशन। इन अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट, आशियान एंड इंडिया अनाउंस्ड the elevation of the existing strategic partnership to a comprehensive strategic partnership। मतलब ये बहुत ही एक remarkable journey रही हमारी और ये एक milestone है कि भारत और आशियान के जो dialogue relations हैं उसके 30th year हुए। अब इस 30th year में इंडिया और आशियान ये चाहते हैं कि जो उनका existing strategic partnership है इसको अब increase करने का समय आ गया, इसको increase करके अब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर देना चाहिए। मतलब हम और आगे लार्ज स्केल पर इंडिया और आशियान के रिलेशंस को बिल्डअप करें।
Now, this announcement was made during the visit of the Vice President Jagdeep Dhankar in Cambodia. तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली 19th आसियान इंडिया समिट कहाँ हुआ था, कंबोडिया में, और इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था, हमारे ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट साहब ने. नाउ द वाइस प्रेसिडेंट वाज ऑन बेसिकली अ 3-day विजिट टू द कंट्री एंड एड्रेसिंग द समिट द वाइस प्रेसिडेंट सेड द इंडिया आसियान रिलेशनशिप एज द सेंट्रल पिलर ऑफ इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी. जैसा कि आपको पता होगा कि सपोज करिए फॉर एग्जाम्पल अगर ये इंडिया है तो हमारे देश में हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉलिसी ड्रॉ की गई थी जिसको कहा गया लुक ईस्ट पॉलिसी. ये हमारे आईआर का एक टॉपिक है जो हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं. सो वी स्टडी व्हाट इज लुक ईस्ट पॉलिसी. नाउ दिस लुक ईस्ट पॉलिसी मीन्स इन शॉर्ट, इफ आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस लुक ईस्ट पॉलिसी इन शॉर्ट, इट मीन्स कि भारत को इंडिया मस्ट बिल्ड इट्स रिलेशनशिप विथ ईस्टर्न कंट्रीज. जो भी भारत के ईस्टर्न साइड कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया को अपने रिलेशंस मजबूत बनाने चाहिए. अब इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को आज हम लोग जानते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी के नाम से. तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने एड्रेस मीटिंग को एड्रेस करते हुए बोला कि इंडिया की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसका सेंट्रल पिलर है इंडिया आसियान रिलेशनशिप. That shows that what is the importance of ASEAN for India and how much ASEAN is important to India. Now during his address, the Vice President also touched upon several factors which have led to the strengthening of the ties between India and ASEAN in last 3 decades. तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे issues भी उठाए जिसने भारत और ASEAN के relation को बहुत मजबूत किया. Now the Vice President said that the now time has come that we must increase our engagement from the connectivity to climate change, security to space, education to ecology and technology to trade for our brighter future for both India as well as ASEAN countries. कि अब समय आ गया है कि अब हम अपने जो dialogues हैं या जो हमारे ASEAN के साथ जो भी factors जिस पे हम बातचीत करते हैं उसमें अब हमें आगे बढ़ना चाहिए. और आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हमको कनेक्टिविटी से बढ़ के क्लाइमेट चेंज पे आना चाहिए, सिक्योरिटी स्पेस को कवर करना चाहिए, एजुकेशन टू इकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी टू ट्रेड. मींस ये कुछ एरियाज होंगे जिस पर इंडिया और आसियान के रिलेशन जो है वो इन फ्यूचर भविष्य में हमको दिखेंगे कि भारत और आसियान इन मुद्दों को अपने रिलेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट जगह देंगे और वो अपने अपने रिलेशन को इन्हीं फैक्टर्स पर, इन्हीं मुद्दों पर बिल्डअप करेंगे. ओके, द वाइस प्रेसिडेंट सेड देयर इज अ नीड टू एक्सपैंड इंडिया आसियान कोऑपरेशन व्हाइल डीपनिंग म्यूचुअल स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट. फॉर दिस अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप वुड शो द पास. तो कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिल्डअप करने पर बड़ा जोर दिया गया हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब के द्वारा. Now the ASEAN member states and India sought to advance maritime cooperation while reaffirming the importance of maintaining and promoting peace, stability, maritime security and safety. आपको पता है कि किसी भी देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी जो होती है, सिक्योरिटी जो होती है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और स्पेशली जो ये मैरिटाइम सिक्योरिटी है. तो ASEAN member countries और इंडिया अब इन सारी चीजों पर भी बात करें कि कैसे हम पीस, स्टेबिलिटी और अपना अपनी जो मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी है उनको हम कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. नाउ दे एग्री टू एनहांस कोऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम एंड इन मिलिट्री मेडिसिन. तो भारत और आसियान देशों को मिल करके ये बात तय हुई कि भारत और आसियान मिल करके टेररिज्म पर या ट्रांसनेशनल क्राइम पर दोनों मिलकर काम करेंगे. जैसे आपको पता है कि जो हमारा जो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट एरिया है ये कितना हाईली सेंसिटिव एरिया है. जम्मू एंड कश्मीर के बाद अगर मिलिटेंसी सबसे ज्यादा कहीं पाई जाती है तो वो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में. और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं ये आप देखेंगे तो ये आसियान कंट्रीज के साथ बॉर्डर बनाते हैं. तो कहीं ना कहीं हमको अपने इस एरिया में भी स्टेबिलिटी लानी है, पीस लाना है, डेवलपमेंट लाना है. इसके लिए हमें आसियान कंट्रीज की हेल्प चाहिए और आसियान कंट्रीज के साथ हमें कोऑपरेट करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं हम जो फाइट अगेंस्ट टेररिज्म है हमारी
और या ट्रांसनेशनल क्राइम को अगर हम रोकना चाहते हैं तो अब हम उसे रोक पाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, उसे हम रोक पाएंगे। ड्रग ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ये सारी चीजें इसी बॉर्डर पर होती हैं जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बॉर्डर हैं जो आशियान कंट्रीज से लगते हैं। तो इस सारे मैटर्स को डील करने के लिए वी नीड कोऑपरेशन फ्रॉम आशियान कंट्रीज। ओके, नाउ इन अ फर्म कमिटमेंट द टू ऑल्सो एग्रीड टू प्रमोट एंड रिवाइवल ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेड रिलेटेड टूरिज्म एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज through effective implementation of ASEAN India Tourism Work Plan, very important point, affected amidst the COVID-19 pandemic. जैसा कि आपको पता है, during COVID-19 pandemic, हमारा जो service sector था या पूरी world economy का जो service sector था वो कितना adversely affect हुआ, और tourism तो service sector में ही आता है, COVID-19 का tourism पे भी बहुत impact पड़ा। तो क्योंकि अब ऑलरेडी जो है इंडियन इकोनॉमी एज वेल एज वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो अनलॉक हो चुकी है, व्यापार फिर बढ़ गया, टूरिज्म सेक्टर फिर रिवाइव हो रहा है, तो इंडिया और आशियान कंट्रीज ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अब समय आ गया है कि हमें अपने टूरिज्म और टूरिज्म रिलेटेड इंडस्ट्रीज को हमें और आगे बढ़ाना चाहिए। उसके लिए आशियान इंडिया टूरिज्म वर्क प्लान बिल्डअप किया जाएगा कि कैसे दोनों कंट्रीज जो है वो टूरिज्म सेक्टर से एक दूसरे को अफेक्ट करें, एक दूसरे को बेनिफिट करें और फायदा उठा सके। नो अकॉर्डिंग टू द ज्वाइंट स्टेटमेंट रिलीज बोथ ऑल्सो एग्रीड टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन ऑन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी को भी मजबूत करने की बात की गई, दोनों के बीच में डायलॉग होगा उसकी बात की गई, एंड वर्किंग क्लोजली विद आशियान सिंगापुर साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड दी ADMM साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो मेनली दोनों इंडिया और आशियान मिलकर के साइबर सिक्योरिटी को डील करेंगे और साइबर सिक्योरिटी के मैटर को देखेंगे। नाउ बोथ इंडिया एंड आशियान ऑल्सो एग्रीड टू वर्क ऑन AITIGA। नाउ व्हाट इज दिस AITIGA? आशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो कहा गया भारत और आशियान दोनों गुड्स एग्रीमेंट पर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, जिससे कि दोनों देशों के बीच में ट्रेड फैसिलिटेट हो सके, व्यापार बढ़ सके, एंड बोथ विल कम टुगेदर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सप्लाई चेन, एक्सप्लोर कोऑपरेशन ऑन अ सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म टू इनहांस ट्रेड फैसिलिटेशन एंड इंटीग्रेशन। नाउ द टाइज बिटवीन इंडिया एंड द 10 नेशन ग्रुपिंग ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, दीज आर दी कंट्रीज परमानेंट मेंबर ऑफ आशियान कंट्रीज जिन्होंने आशियान बिल्डअप किया, सॉ अ सिग्निफिकेंट सर्ज इन द लास्ट फ्यू ईयर्स मार्क्ड विद सेवरल हाई लेवल विजिट्स फॉलोड बाई हाई लेवल डायलॉग फ्रेमवर्क। दिस ईयर 2020 इम्बार्क्ड एज आशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर। नो इस साल 2022 का जो ये साल है ये आशियान इंडिया फ्रेंडशिप ईयर है, और इसलिए आप बहुत उम्मीद कर सकते हैं कि हमसे आशियान पर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है, GS में भी आ सकता है जहां आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ना होता है, या आपके IR में भी आ सकता है, और आपके पॉलिटिकल साइंस के लिए तो ये द मस्ट टॉपिक है कि आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, एंड दिस ईयर आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट दिस ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग 30th एनिवर्सरी of ASEAN India relation. Okay, now the significant surge in the ties can also be counted with increased commodity trade between India and ASEAN region. लगातार हम देखते हैं कि भारत और ASEAN region के बीच में व्यापार जो है वो लगातार आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपको 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 ट्रेड इंक्रीमेंट दिख रहा है, which stands around $98.39 billion in the period April 21 to February 2022. Now India's main trading ties are with Indonesia, Singapore, Malaysia, Vietnam and Thailand. To 10 ASEAN countries mein ye 5 aise desh hain jinke sath Bharat ka vyapar sabse zyada ho raha, Indonesia ke sath, Singapore ke sath, Malaysia, Vietnam and Thailand. Aur April 2021 se lekar February 2022 tak दोनों भारत और आशियान का जो ट्रेड हुआ है, जो कॉमोडिटी ट्रेड हुआ है वो $98.39 बिलियन का हुआ है।
नाउ अ लिटिल बिट अबाउट आशियान। अब हम लोग समझते हैं कि ये आशियान है क्या, कब बना, कैसे बना, इसका बेसिक मोटिव क्या था। ठीक, नाउ आशियान इज बेसिकली अ रीजनल ग्रुपिंग दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन। तो आशियान जो है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दिस इज बेसिकली अ रीजनल ग्रुपिंग, एक क्षेत्रीय समूह है ये, दैट प्रमोट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, नाउ इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन अगस्त 1967 इन बैंकॉक थाईलैंड विद द साइनिंग ऑफ आशियान डिक्लेरेशन। तो 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इसको एस्टैब्लिश किया गया था आफ्टर द साइनिंग ऑफ आशियान डिक्लेरेशन बाय द फाउंडिंग फादर ऑफ आशियान, नेमली इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। इन देशों ने आशियान डिक्लेरेशन फाउंड किया था और इसी के बेस पर आशियान की एस्टैब्लिशमेंट हुई। ये ईयर याद रखिएगा, आपके प्रीलिम्स में भी ये आ सकता है। क्या है, नाउ दीज आर ऑल द मेंबर कंट्रीज ऑफ आशियान। ठीक है, ये सारे आशियान देश हैं आपके, आप देख सकते हैं, म्यांमार है, लाओस है, थाईलैंड है, वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, ब्रुनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, इन सारे कंट्रीज के नाम आप याद रखेंगे। ये सारे कंट्रीज के नाम भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग अहेड, नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आशियान फॉर इंडिया। नाउ दिस टॉपिक इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एग्जाम। अभी जितना हम लोगों ने फैक्चुअल देखा है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स एग्जाम। ठीक, कि आशियान जो है उसका महत्व भारत के लिए क्या है। ठीक, देखिए वाइस प्रेसिडेंट साहब ने अपनी एड्रेसिंग स्पीच में ही कहा दैट आशियान इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर इंडियाज एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो आप अपने आंसर को मेंस में यहां से भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप कोट कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं इफ दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन योर मेंस एग्जामिनेशन। नाउ इंडिया नीड्स अ क्लोज डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप विद आशियान नेशंस बोथ फॉर इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी रीजंस। ठीक, तो आशियान हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके दो पिलर्स आप याद रखिए, एक है इकोनॉमिक और एक है सिक्योरिटी रीजन। नाउ कनेक्टिविटी विद आशियान नेशन कैन अलाउ इंडिया टू इंप्रूव इट्स प्रेजेंस इन द रीजन। अगर आशियान नेशंस तक हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ये भारत का प्रेजेंस जो है वो इस क्षेत्र में बढ़ाएगा। नाउ दीज कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट कीप नॉर्थ ईस्ट इंडिया एट द सेंटर इंश्योरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। तो ये जो कनेक्टिविटी हमारी बढ़ेगी आशियान देशों से, इसके सेंटर में बेसिकली नॉर्थ ईस्ट इंडिया होगा, क्योंकि यही नॉर्थ ईस्ट ही तो गेटवे है आशियान कंट्रीज तक जाने का। तो कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो इंश्योर होगा। नाउ इंप्रूव्ड ट्रेड टाइज विद आशियान नेशंस वुड मीन अ काउंटर टू चाइनाज प्रेजेंस इन द रीजन। आपको पता है कि आशियान कंट्रीज के साथ चाइना के भी रिलेशन, अगर भारत का संबंध आशियान देशों के साथ अच्छा होता है और इम्प्रूव करता है तो कहीं ना कहीं हम चाइना के प्रेजेंस को काउंटर कर पाएंगे इन दिस रीजन एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर इंडिया। और देश के विकास के लिए, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को हम इंश्योर कर पाएंगे। तो स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली आशियान एज अ ग्रुप जो है वो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है। आशियान ऑक्यूपाइज अ सेंट्रलाइज्ड पोजिशन इन द रूल्स बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्ट इन द इंडो पैसिफिक। अगर हम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आशियान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इन द सिक्योरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक विच इज वाइटल फॉर इंडिया सिंस मोस्ट ऑफ इट्स ट्रेड इज डिपेंडेंट ऑन मैरिटाइम सिक्योरिटी। नाउ कोलैबोरेशन विद आशियान नेशन इज नेसेसरी टू काउंटर इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट, कॉम्बैट टेररिज्म, टैक्स इवेजन। तो आशियान के साथ कोलैबोरेशन हमारे लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि हम नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी को रोक सकते हैं, हम टेररिज्म को काउंटर कर सकेंगे और टैक्स की जो चोरी होती है उसे भी हम रोक सकते हैं, टैक्स इवेजन को भी हम कहीं ना कहीं कम कर पाएंगे। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट न्यूज दैट इज रिलेटेड टू योर इंडो आशियान रिलेशन। नाउ मूविंग अहेड, अब ये सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज है आपकी। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी एक स्टडी में ये ओपन किया गया, ये पाया गया कि जो पार्लियामेंट में हमारे जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती हैं, संसदीय समितियां जो होती हैं, उनमें जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा राज्यसभा के, वो आते ही नहीं है, वो एब्सेंट हो जाते हैं, मतलब उनकी प्रेजेंस जो है वो बहुत कम है। तो फिर ये पार्लियामेंट्री कमिटीज हमने क्यों बनाई है, फिर इसको खत्म कर देना चाहिए। पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, भारत के विकास में, देश के लॉ मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।
लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर, जब पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है तो वो आते ही नहीं है, एबसेंट हो जाते हैं। तो जब मेंबर आएंगे ही नहीं तो पार्लियामेंट्री कमिटीज का रेलेवेंस क्या बचा, पार्लियामेंट्री कमिटीज अपना जो पर्पस है उसको कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी रिसेंटली जो न्यूज आई जो चर्चा में थी वो कहती है कि संसदीय समितियों को अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 इस 22 बैठक हुई है इस बीच, और जिसमें सबसे ज्यादा जो एबसेंट हुए हैं मेंबर वो सत्तारूढ़ दल के ही सदस्य हुए हैं। मतलब जो रूलिंग पार्टी है उसी के मेंबर सबसे ज्यादा एबसेंट हुए हैं। तो हम लोग ये समझते हैं पूरा इशू क्या है ना। जैसा कि आपको पता है कि हमारे संसद के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर बेसिक काम जो होता है वो लॉ मेकिंग का होता है। किसी भी देश में पार्लियामेंट जो होती है वो हाईएस्ट लॉ मेकिंग एजेंसी होती है। हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट लॉ मेकिंग एजेंसी, लेकिन ये जो लॉ बनता है ये बड़ा डिटेल डिस्कशन मांगता है, लंबा चौड़ा इसमें एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, और कभी कभी लॉ को लेकर के, बिल को लेकर के डिस्प्यूट हो जाता है, डिबेट हो जाता है। तो एक अच्छी बहस के लिए, एक अच्छे कानून बनाने के लिए जिससे समाज का, देश का विकास हो सके, पार्लियामेंट्री कमिटीज बनाई गई हैं, जिससे कि पार्लियामेंट्री कमिटीज किसी बिल पर आपस में डिस्कशन कर सकती हैं, और वो उस पर अपनी कोई राय दे सकती हैं, कोई सलाह दे सकती हैं, जिससे हम एक अच्छा कानून निर्माण कर सके। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज, हमारे पार्लियामेंट में बहुत सारी कमिटीज बनाई जाती हैं, और बिल जो होते हैं वो पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास रेफर किए जाते हैं, और पार्लियामेंट्री कमिटीज में लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स भी होते हैं। तो ये मेंबर्स आपस में डिस्कशन करते हैं किसी बिल के ऊपर, उसमें क्या कमियां हैं, कैसे उसको दूर करें, यही सब चीजें डिस्कस की जाती हैं, और जिससे कि हम एक बेहतर समाज और बेहतर देश का निर्माण कर सके बेहतर कानून से। तो इस ये रेलेवेंस है, ये इंपॉर्टेंस है पार्लियामेंट्री कमेटी का। तो आप देखेंगे कि संसद में लगभग हर सत्र में कमोबेश सभी दलों की ओर से यही मांग उठाई जाती है कि विधेयकों को पेश किए जाने से पहले उन पर गंभीर विचार विमर्श होना चाहिए, जिससे कि एक अच्छा कानून बनाया जा सके। तो उन पर गहन गंभीर विचार विमर्श के लिए उन्हें संबंधित समिति को सौंप दिया जाए। तो होता क्या है कि पार्लियामेंट के पास तो इतना टाइम नहीं होता ना कि उस पर बहुत डिटेल्ड बिल पर डिस्कशन हो सके, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के पास एक लिमिटेड टाइम होता है। तो अक्सर हमेशा ये डिमांड उठती है कि बिल पर एक अच्छी बहस होनी चाहिए, जितना ज्यादा बहस होगा बिल पर उतना अच्छा कानून बनेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का अल्टीमेटली बेस क्या होता है, डिस्कशन, डायलॉग, डिबेट। तो अक्सर ये डिमांड उठती है कि बिल को जो है वो कमिटीज को रिफर कर दिया जाए। बट इशू ये है, कमिटीज को रिफर करें तो कैसे करें जब कमिटीज में मेंबर ही नहीं आते। अब आप देखिए, लेकिन सितंबर में पुनर्गठन के बाद इन समितियों को की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति के आंकड़े इनके उदासीन रवैये को दर्शाते हैं, बहुत उदासीन रवैया है इनका। हैरान करने वाली बात यह है कि इन समितियों की बैठकों में जो रूलिंग पार्टी है उसी के सदस्य सबसे ज्यादा एबसेंट है। तो ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है कि जो रूलिंग पार्टी है उसी के मेंबर्स कमिटी में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, एबसेंट हो जा रहे हैं। अब आप देखें कि 13 स्थायी समितियों के पुनर्गठन के बाद, जो 13 स्टैंडिंग कमिटीज रीऑर्गेनाइज हुई के बाद, वर्ष 22-23 के दौरान विचार किए जाने वाले विषयों के चयन के लिए अक्टूबर से 10 नवंबर 2022 तक 22 बैठकें हुई, जिसमें औसतन 16 से 18 सदस्य ही उपस्थित हुए। अब आप देखिए कितना रेट है एब्सेंस का और प्रेजेंस का, 16 से 18 सदस्य ही उपस्थित हुए, इसका मतलब है मैक्सिमम लोग क्या हो गए, एब्सेंट हो गए। इन समितियों की बैठकों से अनुपस्थित रहने वाले चर्चित सदस्य कुछ इस प्रकार, इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है जिसमें बड़े इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लोग शामिल हैं जो पार्लियामेंट्री कमिटीज के मेंबर हैं, बट दे डोंट पार्टिसिपेट इन पार्लियामेंट्री कमिटीज मीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपा से जया बच्चन है, हेमा मालिनी है, मेनका गांधी है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर है आपके, राजीव प्रताप रूड़ी है, प्रवेश साहब सिंह वर्मा है, किरीट प्रेमजी भाई सोलंकी है, इलाया राजा है, हरभजन सिंह है, संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के, सिमरनजीत सिंह मान है अकाली दल के, मनमोहन सिंह साहब है, राहुल गांधी भी हैं, पी चिदम्बरम है, मनीष तिवारी हैं, दीपेंद्र हुड्डा हैं कांग्रेस के। ये वो मेंबर्स हैं जो कमिटीज के मेंबर हैं लेकिन कमिटीज की मीटिंग में आते नहीं, क्लियर। तो अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल हैं,
टीएमसी के अभिषेक बैनर्जी हैं, कल्याण बैनर्जी हैं, निर्दलीय आपके कपिल सिब्बल, नवनीत राणा, मीसा भारती, ये भी कमिटीज के मेंबर हैं, लेकिन दे डोंट पार्टिसिपेट. नाउ दिस शोज दैट हाउ सीरियस दे आर अबाउट द वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी. नाउ लोकसभा से जुड़ी कृषि, खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों, विदेश, वाणिज्य, आवास एवं शहरी मामलों, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय सहित एक दर्जन से अधिक स्थायी समितियों की बैठक में औसतन ऑन एन एवरेज 40% से अधिक सदस्य अनुपस्थित रहे. ये कुछ कमिटीज होती हैं और आप देखिए इनकी मीटिंग में ऑन एन एवरेज 40% से अधिक सदस्य एब्सेंट हैं, तो कमिटी का पर्पस कैसे सॉल्व होगा? समिति की बैठकों में सर्वाधिक गैर हाजिर जो सदस्य हैं वो जो रूलिंग पार्टी है उसी के हैं. संसद की स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 31 सदस्य होते हैं, जो परमानेंट बोर्ड कमिटीज बनती हैं लोकसभा राज्यसभा में, पार्लियामेंट के अंदर, उसमें लोकसभा और राज्यसभा से कुल 31 मेंबर्स होते हैं, जिसमें लोकसभा के 21 होते हैं और राज्यसभा से 10 सदस्य होते हैं. तो 31 मेंबर्स में ये क्लासिफिकेशन याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कितने मेंबर्स होते हैं. तो संसद की जो स्थायी समिति में लोकसभा और राज्यसभा से कुल 31 होते हैं, 21 लोकसभा से होते हैं और 10 मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं. ना इन समितियों की बैठक में अनुपस्थित रहने वाले चर्चित सदस्यों में मैंने आपको बताया वही मेंबर्स शामिल हैं आपके. ना एक आंकड़े के अनुसार कृषि, पशुपालन और खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय से जुड़ी 31 सदस्यीय स्थायी समिति की वर्ष 22-23 के दौरान विचार किए जाने वाले विषयों के चयन के लिए 10 अक्टूबर 2022 को ही बैठक में केवल 12 सदस्य ही मौजूद हुए. अब आप देखिए 31 मेंबर्स होते हैं स्टैंडिंग कमेटी में, एंड हाउ मेनी मेंबर्स वर प्रेजेंट? ओनली 12. 12 ही मेंबर केवल प्रेजेंट रहे, मैक्सिमम मेंबर क्या हो गए? एबसेंट हो गए. तो जब एबसेंट हो जाएंगे तो काम कैसे होगा? नौ बैठक में बीजेपी है, बीजेपी के साथ कांग्रेस के 3 सदस्य अनुपस्थित रहे. ऐसे ही वित्त मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की बैठक 28 अक्टूबर को हुई, जिसमें 31 मेंबर्स में से केवल 17 ही मेंबर उपस्थित हुए. ये फिगर्स हैं जो शो कर रहा है कितने सीरियस हैं हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे पार्लियामेंटेरियंस. इस बैठक में अनुपस्थित रहने वाले सदस्यों आप देखेंगे तो भाजपा के 5 हैं, कांग्रेस के 4 हैं, बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति, अकाली दल, शिवसेना के 1-1 सदस्य हैं. इस समिति की 4 नवंबर को हुई बैठक में 21 सदस्य शामिल हुए थे. तो इसी समिति की जब 4 नवंबर को बैठक हुई तो 21 सदस्य शामिल हुए, और जब 28 अक्टूबर को बैठक हुई थी तो 17 सदस्य शामिल हुए थे. नौ अनुपस्थित रहने वाले प्रमुख सदस्यों में आप देखेंगे तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हैं, कांग्रेस के पी चिदम्बरम हैं, गौरव गगोई हैं, मनीष तिवारी साहब हैं, भाजपा के आपके प्रवेश साहब सिंह वर्मा हैं, किरीट प्रेम जी भाई सोलंकी हैं, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा हैं. ये सारे वो मेंबर्स हैं जो एब्सेंट रहते हैं. नौ वर्ष 22-23 के दौरान विदेश मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति की 19 अक्टूबर की बैठक में केवल 14 सदस्य उपस्थित. ये सारे गवर्नमेंट फिगर्स हैं, गवर्नमेंट के साइट में गवर्नमेंट के थ्रू दिए गए फिगर्स हैं. नाउ ऑल दीज आर दी मेंबर्स हु वर एब्सेंट. ये सारे मेंबर्स हैं जो एब्सेंट रहे मीटिंग में. इस स्थायी समिति की 10 नवंबर को वैश्विक आतंकवाद से मुकाबला विषय पर हुई बैठक में 15 ही सदस्य मौजूद रहे. अब आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक पर मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, ग्लोबल टेररिज्म पर, वैश्विक आतंकवाद पर, जो आतंकवाद भारत के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, कितना बड़ा खतरा है हमारे लिए. उस टॉपिक पर जब मीटिंग हो रही है तो उस मीटिंग को अटेंड करने के लिए हार्डली 15 मेंबर्स वर देयर. नाउ ऑल दीज आर दी मेंबर्स हु आर दी एब्सेंटीज. ये मेंबर्स हैं जो एब्सेंट रहे. नाउ एक आंकड़े के अनुसार अगर हम वाणिज्य मंत्रालय की बात करें तो इनका भी हाल आप देख लीजिए. तो वाणिज्य मंत्रालय से जुड़ी जो स्थायी समिति है उसकी बैठक 17 अक्टूबर को हुई और जिसमें 14 ही सदस्य उपस्थित. हर मंत्रालय का वही हाल है, जितने भी मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी है सब में वही हाल. आप देखिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है इसकी 17 अक्टूबर को बैठक हुई, इसमें 11 मेंबर्स ही शामिल हुए. क्लियर है? ये सारे मेंबर्स हैं जो एब्सेंट रहे. आप देखिए रेलवे,
रेलवे की भी जो स्टैंडिंग कमेटी है उसकी मीटिंग हुई 20 अक्टूबर को, उसमें जो है 24 सदस्य ही मौजूद रहे, 24 सदस्य ही शामिल रहे। ऐसे इसी तरीके से अगर हम ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थायी समिति को देखें तो उसकी बैठक में सिर्फ 20 सदस्य शामिल हुए। और अभी आपको बताया मैंने कि स्टैंडिंग कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, 31। आप देखिए मतलब किसी भी मीटिंग में 100% प्रेजेंट नहीं रही, सब मीटिंग में आप देखेंगे मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो एबसेंट रहे। अब आप देखिए रक्षा मंत्रालय कितना इंपॉर्टेंट मंत्रालय है भारत के लिए, रक्षा मंत्रालय, इसकी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में 22 मेंबर्स एबसेंट हो रहे, सॉरी प्रेजेंट हो रहे हैं, 22 मेंबर्स ने इसकी मीटिंग जो है वो अटेंड किया, क्लियर। तो ये हाल है, इस तरीके से हमारे देश में पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है वो काम कर रही हैं। तो अब पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में जानते हैं, पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है। देखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती है वो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन वाइज देखेंगे तो हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री कमिटीज को दो पार्ट में ब्रेक किया जाता है, एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, स्थायी समिति होती है, एक एडॉक होती है। एडॉक का मतलब होता है काम पड़ा कमेटी बना दी, काम फिनिश कमेटी फिनिश। स्टैंडिंग कमेटी परमानेंट होती है। अब स्टैंडिंग कमिटीज जो होती हैं हमारी, इसके भी क्लासिफिकेशन होते हैं, जैसे फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी होती है, डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी होती है। अब अगर हम फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी देखेंगे तो जैसे पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टिमेट कमेटी है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी होती है। इसी तरीके से अगर हम डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज देखेंगे तो कमेटी ऑन एग्रीकल्चर है, कमेटी ऑन डिफेंस है, कमेटी ऑन एनर्जी है। अब एडॉक कमेटीज को भी आप डिवाइड कर लेते हैं तो एडॉक कमेटीज भी दो होती हैं, एक ज्वाइंट कमेटी होती है और एक सेलेक्ट कमेटी होती है। तो ये क्लासिफिकेशंस होते हैं कमेटीज के। नाउ व्हाट इज द पर्पस और व्हाट इज द रोल ऑफ द पार्लियामेंट और द पार्लियामेंट्री कमेटी इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एज यू ऑल नो दैट पार्लियामेंट हैज ब्रॉडली टू इंपॉर्टेंट रोल्स। सबसे पहला रोल होता है लॉ मेकिंग का पार्लियामेंट का, और दूसरा होता है ओवरसाइट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट दो बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में, एक कानून बनाने का और दूसरा सरकार का वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच की तरह रोल प्ले करती है, कार्यपालिका की शाखा की तरह रोल प्ले करती है। तो कमिटीज बनाई जाती हैं पार्लियामेंट को हेल्प करने के लिए, पार्लियामेंट की फंक्शनिंग को और बेटर बनाने के लिए। तो कमिटीज आर एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पार्लियामेंट फॉर इट्स ओन इफेक्टिव फंक्शनिंग, कि पार्लियामेंट बहुत इफेक्टिवली काम कर सके, अच्छा कानून बनाया जा सके, समय की बर्बादी कम हो, राष्ट्र का निर्माण हो सके, इसके लिए हम कमिटीज बनाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली वाइज अगर आप चलेंगे तो पार्लियामेंट्री कमिटीज जो होती हैं वो अपनी जो अथॉरिटी गेन करती हैं वो दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल से गेन करती हैं, एक है आर्टिकल 105 और एक है आर्टिकल 118। ये दोनों आर्टिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, याद रखिएगा। नाउ आर्टिकल 105 इज ऑन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट मेंबर्स एंड आर्टिकल 118 इज ऑन पार्लियामेंट्री अथॉरिटी टू मेक रूल्स फॉर रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस। ओके, ये दो आर्टिकल्स हैं जहां से कमिटीज अपनी पावर गेन करती हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स अ मेंशन ऑफ दीज कमिटीज एट डिफरेंट प्लेसेस बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविजंस रिगार्डिंग देयर कंपोजिशन टेन्योर एंड फंक्शन एसेट्रा। ऑल दीज मैटर्स आर डेल्ट बाय द रूल ऑफ द टू हाउसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कमिटीज उनका अलग अलग जगहों पर जिक्र तो हुआ है लेकिन उनके कंपोजिशन टेन्योर और फंक्शन के बारे में जिक्र नहीं मिलता। ये सारी चीजें बेसिकली रेगुलेट होती हैं रूल ऑफ द टू हाउस, लोकसभा के नियम के हिसाब से वहां कमिटीज हैं, राज्यसभा के नियम के हिसाब से वहां पे। नाउ अकॉर्डिंगली अ पार्लियामेंट्री कमिटी मींस अ कमिटी दैट इज अपॉइंटेड और इलेक्टेड बाय द हाउस और नॉमिनेटेड बाय स्पीकर और चेयरमैन, वर्क्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ द स्पीकर एंड चेयरमैन, प्रेजेंट्स इट रिपोर्ट टू द हाउस और टू द स्पीकर और चेयरमैन, हैज अ सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री कमिटी, कैसे कमिटीज बनाई जाती हैं, किसको वो अपनी रिपोर्ट देती हैं, होम दे आर अकाउंटेबल टू, ये सारी चीजें। नाउ ब्रॉडली अगर हम पार्लियामेंट्री कमिटीज को डिवाइड करें तो मैंने अभी आपको बताया कि पार्लियामेंट्री कमिटीज ब्रॉडली दो मेजर पार्ट में ब्रेक हो जाती हैं, एक कमेटी होती है स्टैंडिंग और एक कमेटी होती है एडॉक। स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो परमानेंट इन नेचर होती है, एडॉक कमेटी जो होती है वो टेम्पररी होती है। टास्क दिया जाता है, टास्क फिनिश हो जाता है तो कमिटीज भी फिनिश हो जाती है। ओके, नाउ द चेयरमैन और द स्पीकर यूजेस हिज और हर डिस्क्रिशन टू रिफर अ मैटर टू द पार्लियामेंट्री कमेटी बट दिस इज यूजुअली डन इन अ कंसल्टेशन विद द लीडर्स ऑफ द पार्टी इन द हाउस। तो कौन सा विषय पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा नहीं जाएगा ये
डिस्क्रिशनरी पावर होता है राज्यसभा के चेयरमैन का और लोकसभा के स्पीकर का। फिर वो मैटर पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जाता है और कमिटीज के मेंबर्स जो होते हैं उस पर डिस्कशन करते हैं और फाइनली वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। क्लियर? नाउ द कमिटी रिपोर्ट्स एंड रिकमेंडेशंस के बारे में देखते हैं। नाउ कमिटी रिपोर्ट्स आर यूजुअली एग्जॉस्टिव एंड प्रोवाइड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ऑन मैटर्स रिलेटेड टू गवर्नेंस। नाउ बिल्स दैट आर रिफर्ड टू कमिटीज आर रिटर्न टू द हाउस विद सिग्निफिकेंट वैल्यू एडिशन। तो बिल कोई अगर उनके पास गया है तो उस पर वैल्यू एडिशन करके वो बिल को वापस हाउस को दे देते हैं। पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय एनी रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। संसद बाध्य नहीं होती, इट्स नॉट बाउंड बाय एनी रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। नाउ व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? तो सिग्निफिकेंस क्या है पार्लियामेंट्री कमिटीज का? ईज ऑफ लेजिस्लेटिव बिजनेस। तो लेजिस्लेटिव बिजनेस को आसान बना देते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। लोकसभा राज्यसभा के अंदर तो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, लेकिन जब पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या बात करते हैं तो वहां तो मेंबर्स दोनों से लिए जाते हैं, गवर्नमेंट के भी होंगे, रूलिंग पार्टी के भी होंगे, अपोजिशन पार्टी के भी होते हैं। तो वहां पर जो कमिटी होती है वो पार्टी पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठ जाती है। एंड प्रोविजन ऑफ एक्सपर्टाइज, जो मेंबर्स उसमें लिए जाते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, स्पेशलाइज होते हैं, तो एक अच्छा डिस्कशन हो जाता है, एक अच्छा एडवाइस वैल्यू एडिशन हो जाती है और गवर्नमेंट का काम, विधायिका का काम ईजी हो जाता है। कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या है? सबसे पहला चैलेंज है रेफरिंग बिल टू द कमिटी। यही बहुत बड़ा एक चैलेंज है, कौन सा बिल कमिटी को जाए कौन सा ना जाए। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है अटेंडेंस ऑफ मेंबर्स, कि मेंबर्स को कैसे हम मीटिंग में बुलाएं। तो अटेंडेंस ऑफ द मेंबर्स है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जितने मेंबर्स होते हैं वो फुलफिल नहीं करते, वो आते नहीं है। तो इसको सॉल्व करना एक बहुत बड़ा इशू है हमारे देश में। सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक, फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आया होगा और आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा और आपकी हेल्प करेगा आपके एग्जामिनेशन में, आपके ऑप्शनल के लिए और आपके जीएस पार्ट में भी। तो दिस इज ऑल फ्रॉम दिस वीडियो लेक्चर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फिर कुछ टॉपिक के साथ मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।